गर्ल से नारियल फोड़ने को क्या कर निकला युवक के कपड़े और मोबाइल गुडा तालाब के पार पर रखे मिले तालाब में। सर्च ऑपरेशन जारी। इस वक्त ये बड़ी खबर खनी थाना से आ रही है, जहां गुडा तालाब की पार पर एक युवक के कपड़े और मोबाइल रखा मिला है। जानकारी के अनुसार उक्त युवक गुडा नया गांव का रहने वाला है। भाई जानकारी के अनुसार युवक सिद्धांत जाटव पिता किशोरी लाल जाटव निवासी नया गांव गुडर उम्र 26 साल दिनांक 26/10/2024 शाम 4 बजे के करीब अपनी पत्नी से नारियल फोड़ने का कहकर घर से निकला था। और जब रात तक युवक घर वापस नहीं पहुंचा तो युवक की पत्नी ने परिजनों को बताया, जिसके बाद परिजनों ने आसपास गांव और रिश्तेदारों में युवक का पता किया। इसके बाद वह गुडर के तालाब पर जब पहुंचे तो वहां युवक के कपड़े और मोबाइल गुडर के तालाब के पार पर रखे मिले। वहीं कपड़े से कुछ दूरी पर युवक की चप्पल भी मिली है। परिजन ने खनिया थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी। खनिया थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और रात्रि में ही तलाश की, पर युवक नहीं मिला। इसके बाद खनिया थाना प्रभारी ने शिवपुरी से SDERF की टीम को बुलाया। इसके बाद आज सुबह से ही SDERF की टीम युवक को ढूंढने का सर्च ऑपरेशन चला रही है। फिलहाल अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं परिजनों ने बताया कि सिद्धांत की शादी 4 वर्ष पहले हुई थी, उसके बच्चे नहीं थे और वह शराब पीने का आदी था। खनिधाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। सुन रहा हूँ ना, क्या है ये? यहाँ जो NDRF की टीम आई है तालाब में, क्या है पूरा? हाँ, बच्चा दो हैं दे शाम। हाँ, फिर कहाँ वो बच्चा शाम है, ये 2 बजे से गोल है बस। आपको कैसे पता होगा तालाब के अंदर? मैं आपको बता देता, संजा हूँ तो रोज हूँ दारू पिया तो रोज हूँ संजा हूँ तो आवार हूँ तो हमने बई बास में रहे। फिर जब जाना होगा तो फिर हमने ढूंढो सबरे में तो गाँव बस्ती में ढूंढो नहीं मिलो। फिर बई की बहू ने कही जा बात क्या भोला कोट मंदिर पे नाजर फोर में जा रहे थे पापा होना देखे और मैं वो जो नाती आए साथ में। हाँ साथ में ही में। फिर क्या मिला है यहाँ पे? मोबाइल जिन लगाओ होना उतार के तो मोबाइल बोलो सोच लिया भाव से हम वहीं पहुंचे तो वहीं मोबाइल मिलो वहीं कपड़ा मिले और चप्पल मिली। चप्पल जी है ना डनी, ये डनी जाबे डनी है। बच्चा नहीं मिला? नहीं, तब से सुबह से ही ढूंढ रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। नहीं, कोई पता नहीं चला, कोई पता नहीं चला। तो ये NDRF की टीम तालाब में ढूंढ रही है युवक को, क्या है पूरा मामला? अब ये है कि कल 3 बजे से लापता है, हम शाम को आए थे पता लगो। कौन कौन आया था यहाँ पे? इनाम पहले मेरे बच्चा आया था, मेरे पिताजी आए थे, बाद में हम आए थे। बाहुबली कल ऐसा हो कल गोला गोट पे गए नजर फोर कल होना देखे आओ हिना आए कपड़ा तेरे दिखाने को मोबाइल बस रात में पूरे में तेरे बोलो सोरे के ढूंढ रहे। पुलिस को सूचना दी? दी थी, रिपोर्ट करे आज। फिर क्या हुआ? पुलिस आई है, वो इंक्वायरी कर रही, देख रही, चेक कर रही, अभी से ढूंढ रही है। अभी और अभी तक नहीं मिला? नहीं, अभी नहीं मिला। बाहर से जो टीम आई है? और कोई सेफली से आई। हाँ, कब आई थी टीम? जी अभी एक घंटा हो गया। एक घंटा पहले SDERF की टीम जो काम कर रही है, क्या है जी पूरा मामला? ये मामला ये है, जो नया गांव से सिद्धांत जाटव है वो कल से लापता है। जब उनकी तलाश की गई, जब वो घर नहीं पहुंचे, उनके परिवार जनों ने जो तलाश की, इसके बाद जब पता नहीं चला, फिर वो लौट के घर पहुंचे तो उनके सिद्धांत की पत्नी ने बताया कि गोलाकोट काली माता मंदिर पर नारियल फोड़ने के लिए गए हैं। तो जब वो परिवार वाले यहाँ आए और जब उनको कपड़ा मिला, कपड़ा रखे मिले, मोबाइल मिला, फिर इन्हें 10:30 बजे मुझे भी कॉल किया, मैं भी आया यहाँ। तो हमने भी बहुत तलाश की, बहुत देखे, फिर मैंने यहाँ TI साहब को कॉल किया तो उनने बताया, बोले जसरत भाई अपन रात में क्या कर सकते हैं, सुबह अपन तलाश करेंगे। और फिर सुबह से जैसे ही सुबह हुआ तो TI साहब भी आ गए, पूरा थाने का फोर्स आ गया, हम लोग भी आ गए और सुबह से ही तलाश कर रहे, कहीं कोई पता नहीं चला। तब जाके अभी फिर और भी पानी में देखा गया तो सुबह से तालाब में ही देखने का काम कर रहा है, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं मिला। शिवपुरी से NDRF की टीम भी बुलाई गई? हाँ बिल्कुल। तब भी नहीं मिला? नहीं, अभी नहीं मिला। यानी तलाश अभी जारी? अभी तलाश जारी है और कम से कम 2 घंटा से